दोस्तों से बताऊँ। राधे राधे, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, दिवाली के पहले हो गई हूँ मैं बीमार और तबीयत मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मुझे हो गया है डेंगू और यहाँ देखिए चढ़ रहा है पानी बाटला, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं कितने दिन रखते हैं डॉक्टर। और मेरी वजह से बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है, बिटिया रानी है मेरे साथ में, यही है। हस्बैंड जी बाबू और रिया को लेके घर पे गए हैं, क्योंकि रात का समय है तो बच्चों को सेफ नहीं होता है हॉस्पिटल में रखना। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं कितनी जल्दी ठीक होती हैं। सोचा नहीं था इस तरीके से बीमार पड़ जाऊंगी अचानक से। तबीयत तो 4-5 दिन से ख़राब चल रही थी, बट दवा ले लेके काम चला रही थी। मैंने रिपोर्ट नहीं निकलवाया था, सडनली अचानक से प्लेटलेट बहुत डाउन हो गया, बीपी एकदम से लो हो गई और चक्कर आने लगा बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में पेन होने लगा। सो इमीजिएटली हमें हॉस्पिटल आना पड़ा और यहाँ पर चेक किया तो तुरंत ही एडमिट ले लिया। डॉक्टर ने कहा कि दवा नहीं दे सकते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए हम ठीक करेंगे, तो एडमिट होना पड़ा। रिपोर्ट कई तरीके का रिपोर्ट हुआ है तो काफ़ी, अभी तो जब से इंजेक्शन लगा है थोड़ी राहत है, दर्द नहीं है, बट वीकनेस लग रहा है, इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। सच में यार, जो नहीं सोचो ना वही होता है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मगर प्रॉब्लम है कि आ ही जाती है। मेरी तबीयत तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखे ही होंगे, नवरात्रि के बाद से ही थोड़ी थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, मगर मुझे लगा कि थकान है, धीरे धीरे चला जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अंदर से था फीवर, और जो कि मैं समझ नहीं पाई, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। मैंने सीरियसली नहीं लिया, हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था तो 2-4 बार तो मैंने दर्द की दवा लेकर ही काम चला लिया। दवा खा लेती थी, थोड़ा रेस्ट हो जाता था, फिर अच्छा लगने लगता था, फिर अपनी लाइफ में बिजी। मगर धीरे 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 वो कब डेंगू बन गया मुझे पता ही नहीं चला, और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर सोचने जैसा कुछ रहा ही नहीं। और इस समय प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी हो गई है दीपावली की, घर पर ही है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बेटियाँ भी अभी छोटी हैं मगर जैसे तैसे मैनेज कर रही हैं। अभी इस समय मेरे साथ महक है मेरा ख्याल रखने के लिए, और वो आई है यहाँ पे, रात भर वही मेरे साथ रहेगी मेरा केयर करने के लिए। सच में कुछ बोल नहीं सकती, जो भी है अच्छा है, ठीक। चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग प्रे कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और दीपावली अपने घर पे मनाऊं, ना कि हॉस्पिटल में। सो मुझे आप लोगों की प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को हैप्पी दीपावली, आप सबका दीपावली बहुत ही
खुशहाल तरीके से मनाई जाए, और मेरी भी आप लोग इतनी दुआ करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।